Students, today we are going to start forms and frames in HTML. So first of all, we have to prepare the basic structure of the HTML. HTML head, then title. Title जैसे हमारा forms and frames है, तो मैं वही ले लेता हूँ. Forms and frames, then title close, and after that head closed. फाइनली बॉडी ओपन, ठीक है. और यहां पर वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग एंड फाइनली एचटीएमएल विल बी क्लोज्ड. इसका नाम मैं दे देता हूं कुछ, सेव एज यहां पे मैंने नाम दिया है इसका नाम है फॉर्म्स एंड फ्रेम्स, यही नाम मैंने दे दिया डॉट एच टी एम एल. और फोल्डर हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है ऑन डेस्कटॉप, फोल्डर नेम इज 10th HTML. राइट, नाउ इट सेव. नाउ यू कैन सी एट द टाइटल बार, टाइटल बार ऑफ द नोट पैड दैट फॉर्म्स एंड फ्रेम्स इज विजिबल. ओके बेटा, तो यहां से अब हम शुरू करेंगे, यहां से हम शुरू करेंगे फॉर्म्स के बारे में. फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज. ये बहुत ही छोटी और इफेक्टिव डेफिनेशन है. फॉर्म क्या है? अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज. मतलब एक पेज के ऊपर कुछ फील्ड बना दी जाती हैं और उसके बाद उसके अंदर जो भी डाटा हम लोग सेव करेंगे वो डाटा एज ए कलेक्शन हम यूज कर सकते हैं. राइट, तो एक फॉर्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अभी अभी जो आपने कुछ दिन पहले ही अपने एग्जाम्स दिए हैं वो दिए हैं गूगल फॉर्म के थ्रू. तो आपने ध्यान दिया होगा कि गूगल के बाद फॉर्म वर्ड यूज हो रहा है ना. तो फॉर्म का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह की फील्ड नेम आपको मिलेंगे और उन फील्ड नेम के सामने कुछ बॉक्सेस होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस, और उसके अंदर आपको कुछ नंबर लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं, जो भी आपको फील्ड के अंदर पूछा जाएगा. और उसको फिर बाद में आप जैसे ही ओके करोगे तो वो डाटा सेव हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी ईमेल में या किसी वेबसाइट पर. ठीक है, बेसिकली डाटा स्टोर होता है हमारे वेब सर्वर के अंदर. तो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सर्वर विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर. यानी जैसे आपने क्रोम यूज कर रहे हैं हम इस वक्त मान लो, तो क्रोम का जो अपना वेब सर्वर है द डाटा विल स्टोर्ड ऑन इट्स वेब सर्वर. ओके बेटा, सेम ऐसे ही अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं तो ये विंडो का ही है, तो विंडो का अपना सर्वर हो सकता है. ऐसे ही जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करेंगे बेटा, उसी का ही वेब सर्वर डाटा स्टोर करने के काम आ जाता है. अगर आप चाहते हो कि आपका अपना कुछ इस तरह का डाटा स्टोरेज बने तो बहुत सारी जगह है, जैसे गूगल फॉर्म है और भी बहुत सारा ऐसा आपको, जैसे गूगल फॉर्म में जब भी आप गूगल मेल बनाते हैं, जीमेल बनाते हैं, तो 16 GB स्पेस आपको फ्री मिल जाता है हर एक जीमेल अकाउंट के साथ. ठीक है, तो आप उसकी गूगल ड्राइव में जाके यू कैन स्टोर द डाटा. ओके बेटा, तो इसके अंदर कई बार वेरिएशन आ जाता है, कई बार स्कीम के साथ ज्यादा मिल जाता है, कई बार कम हो जाता है. ठीक है, तो यहां पर मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी फॉर्म आप बनाएंगे उसका डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होगा. तो ये था आपका फॉर्म. इसके अंदर अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर और एलिमेंट्स होंगे इसके, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, फिर उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे. राइट, तो फॉर्म की डेफिनेशन होगी, अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज. राइट, तो इसके अंदर अब क्या करना है हमें, वेरियस फील्ड क्या, कौन कौन सी वेरियस फील्ड हो सकती है. वेरियस फील्ड लाइक टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आपने डाटा फीड करना है, रेडियो बटन्स जैसे
आपने सेव बटन दबाना है, वो बटन आप बना सकते हैं, कैंसिल बना सकते हैं, राइट। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यूज, जैसे कई बार हम क्लिक करते हैं उसके अंदर दो तीन ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे आपने गूगल फॉर्म के अंदर व्हेन यू सिलेक्ट योर क्लास, राइट, तो क्लास पे क्लिक करते ही वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे ओपन हो जाता था, उसके अंदर आपके तीनों सेक्शंस 10th न्यूटन, 10th कलाम एंड 10th रमन वो ओपन हो जाते थे, और उसको हम बोलते उसमें से जिस पे क्लिक करोगे वो अपने आप ही सेव हो जाता था, ठीक है ना। तो ये जैसे गूगल फॉर्म काम करता है सेम ऐसे दूसरा फॉर्म भी करेगा, सिर्फ फर्क क्या है कि वो गूगल का फॉर्म है और ये आपका अपना फॉर्म है, आप बना सकते हो उसको, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर से हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि गूगल फॉर्म काम क्या करेगा, या ये कोई भी ऑर्डिनरी फॉर्म सिंपल फॉर्म काम क्या करेगा। नंबर वन इसके अंदर है HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड विद द फॉर्म एलिमेंट टू क्रिएट एंड नेम द फॉर्म कंट्रोल एज वेल एज फॉर्मेट देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर। मतलब क्या हुआ इसका कि HTML एलिमेंट्स यानी इसके HTML की कमांड्स आर यूज्ड विद इन द फॉर्म एलिमेंट, कि उसको यूज किया जाएगा फॉर्म के एलिमेंट के साथ टू क्रिएट बनाने के लिए एंड नेम द फॉर्म कंट्रोल्स और उनके सभी कंट्रोल जो भी आप यूज करेंगे उनका नाम दिया जाएगा इसके अंदर एज वेल एज फॉर्मेट। इसके साथ ही साथ हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर, कि वो किस तरह से एक फॉर्म के ऊपर नजर आए। तो इस तरह से अब इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जो हमने लास्ट टाइम भी दी थी। इसके अंदर क्या है कि डाटा कैसे स्टोर होगा, कब होगा, किस फॉर्म में होगा। सबसे पहले आता है आपका ब्राउजर, मैं इसको साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको साथ साथ पता लगे। ब्राउजर, सबसे पहले डाटा आपके फॉर्म से आपके वेब ब्राउजर में जाएगा, तो इसको हम नंबर वन लिख देते हैं। नंबर वन इज ब्राउजर, राइट। नंबर टू, द ब्राउजर डिस्प्ले द फॉर्म एंड अलो सरफेस टू फिल इट आउट, कलेक्ट द डाटा एंड सेंड इट टू द वेब सर्वर। तो कहां गया फिर ये, वेब सर्वर के पास। इसको भी आप वेब ब्राउजर लिख सकते हैं, यानी वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, और नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, देर आर लॉट ऑफ वेब ब्राउजर्स भी हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर ने डाटा आपका लिया क्योंकि फॉर्म वही खोलेगा, राइट। उसके बाद वो डाटा जो आप वेब उसमें गूगल उसके सॉरी फॉर्म में जाके जब उसको सेव करोगे तब वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वेब सर्वर के अंदर। यानी दूसरा स्टेप किसका आ गया, वेब सर्वर का। द वेब सर्वर सेंड्स द डाटा टू CGI। अब थर्ड नंबर पे क्या आया है, CGI। CGI की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अब इसका क्या मतलब है, कॉमन का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन का मतलब हर एक बच्चे को पता है, राइट ना। तो ये है हमारा कॉमन, कॉमन मीन्स जो हर एक के लिए बराबर है। गेटवे, देखो बेटा यहां पर एक बात समझनी है, टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा क्या है कि मान लीजिए आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं क्रोम, मैं यूज कर रहा हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई और यूज कर रहा है मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना वेब सर्वर है, यानी वेब ब्राउजर से डाटा वेब सर्वर पे आएगा, वेब सर्वर में डाटा आने के बाद अब हमें कुछ एक ऐसे लोकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हर एक वेब सर्वर से डाटा निकलकर कहीं ऐसी कॉमन जगह जहां स्टोर हो जाए जहां पर आप डाटा यूज कर सके। तो अब आप लोग जैसे अभी जो गूगल फॉर्म पे हम एग्जाम लेते हैं तो इतने सारे बच्चे आप लोग होते हो, वो सारा डाटा इकट्ठा होके CGI पे आ जाता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। यानी कि एक ऐसा गेट जो हर एक वेब सर्वर को सपोर्ट करता है, ठीक है बेटा। तो वहां पर सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, फिर CGI क्या करता है, CGI यहां पे डाटा सारा इकट्ठा हो गया, उसके बाद नंबर 4 पे क्या होने वाला है,
सीजीआई प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसेस द फॉर्म डाटा एंड द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज सेंट बैक टू द ब्राउजर। तो यहां पर जो डाटा आया है, जो भी क्वेश्चन आपने किया, जैसे आपने गूगल फॉर्म के अंदर अपना पेपर दिया था, लास्ट में हमने उसके रिस्पॉन्स को आप लोगों तक पहुंचाया। उसका रिस्पॉन्स क्या था कि अब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, ठीक है ना बेटा। तो वो सबमिशन का मैसेज, या अगर हम उसके अंदर एक ऑप्शन ऑन करते हैं कि आपका रिजल्ट साथ साथ मिल जाए, इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाए, तो वो रिजल्ट भी आपका एक रिस्पॉन्स का ही फॉर्म होगा। तो वापस जब वो रिस्पॉन्स जाएगा तो सीजीआई से वापस डाटा ब्राउजर तक पहुंच जाएगा, वेब ब्राउजर तक डाटा पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर तो इसका सीक्वेंस जो बना है थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि पहले जाएगा वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर में आपका फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म ओपन होने के बाद ये डाटा सेव हो जाएगा वेब सर्वर के अंदर, और वेब सर्वर में जब डाटा सेव हो जाता है उसके बाद वो उसको आगे ट्रांसफर करेगा सीजीआई पे, कॉमन गेटवे इंटरफेस पे। वहां हर एक वेब सर्वर से डाटा इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन गेटवे है, एक कॉमन रास्ता है डाटा का सेव होने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग जब भी स्कूल में आपका ऑफ होता है तो आप क्या करते हैं, कॉमन गेट से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये वही कॉमन गेट मान के चलिए आप, कि एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा रास्ता है जो यूजर को और सर्वर को कनेक्ट करता है फिर बाद में। तो यहाँ जो भी आपने काम किया उस काम को करने के बाद यहाँ पर फाइनली डाटा और उसका रिस्पॉन्स वापस ब्राउजर तक पहुंच जाता है। तो ये चार स्टेप रहेंगे इसके, ये चार स्टेप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद यहां तक मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आप में से किसी को अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो प्लीज आस्क, इज देयर एनी क्वेरी टिल नाउ। ये चार स्टेप आपको आ रहे हैं समझ में? यस सर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ बात समझ आ जाए। देखो बेटा, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें एक फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर आपको जो ध्यान रखना है, फॉर्म ओपन भी होगा और फॉर्म क्लोज भी होगा। जैसे यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल लिख दूं, यहां पे एलिमेंट्स आ जाएंगे यानी कमांड्स आ जाएगी, और फॉर्म को मैं क्लोज भी कर दूंगा इस तरह से, ये स्मॉल कैपिटल इसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको पूरा फॉर्मेट समझ आए। ये आ गया, जैसे ये देखिए फॉर्म एलिमेंट, यहां बॉडी शुरू हुआ, फिर फॉर्म शुरू हो गया, फिर यहाँ जितनी भी कमांड्स फॉर्म की होंगी वो सारी हम लिखेंगे, एलिमेंट्स इसलिए मैंने लिख दिया है, और फिर लास्ट में फॉर्म को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी क्लोज और फिर एचटीएमएल। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसके एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, इसकी कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या कमांड ऐसी हैं जो हमें एक फॉर्म को सेट करने में मदद करती है। तो टू सेट अ फॉर्म यू नीड टू स्पेसिफाई टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके जो आपको फॉर्म के साथ यूज करने हैं, फॉर्म के अंदर ही यूज करने हैं। उसके अंदर एक तो है, यहां पर हम इसके अंदर ही यूज करें क्योंकि एट्रीब्यूट्स हमेशा मेन टैग के साथ यूज होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे इसको, पहला है एक्शन, एक्शन, और दूसरा आएगा मैथड, ठीक है। पहला एक्शन है, दूसरा मेथड है। अब एक्शन के अंदर क्या आएगा और मेथड में क्या आएगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये है बात बिल्कुल छोटी सी, अगर आपको समझ में आ जाए तो, और अगर जरा सा ध्यान हटाओगे तो एकदम से स्किप हो जाएगी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि व्हाट इज एक्शन। एक्शन यूजुअली स्पेसिफाई द फाइल पेज दैट द फॉर्म इज सबमिटेड टू, कि एक्शन के अंदर के एक्शन यानी काम, हरकत, क्या हरकत हो, क्या काम हो,
कि ये जहां पे हम ये डाटा इस फॉर्म का डाटा स्टोर करवाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म आएगा उसके अंदर कुछ फील्ड्स आएंगी, जैसे आपके पास आती रही है गूगल फॉर्म में, एंटर योर नेम, एंटर योर रोल नंबर, वो सारा फॉर्म है ना बेटा, तो वो सारी फील्ड्स आती हैं फॉर्म के अंदर, तो सारा डाटा कहीं तो स्टोर होगा ना। तो एक्शन के अंदर वो ईमेल आईडी हम लिखेंगे या वो यूआरएल यानी वेब पेज लिखेंगे जहां पर आप डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो एक्शन के लिए सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो समझना जरूरी है। एक्शन इज इक्वल टू, यहां पर एक वर्ड हमें हर एक से पहले जोड़ना पड़ेगा, मेल टू और कॉलन और स्पेस दे देना है थोड़ा सा, ठीक है, या फिर इसको इसके साथ ही लिख दो। अब मान लीजिए यहां पे मैं स्कूल की आईडी लिख देता हूं, द सेंचुरी स्कूल, मान लो कोई आईडी है gmail.com, ये मैंने वैसे ही एक आईडी ले ली, तो रियल आईडी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक आईडी ले ली है, ठीक है, gmail.com, और यहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर ही मैं अब आगे वर्ड ले रहा हूं मेथड। मैंने बोला था आपको कि वी विल यूज टू एट्रीब्यूट्स इन इट, नंबर वन इज एक्शन। एक्शन के अंदर हमने क्या डाला कि जिस ईमेल के अंदर डाटा आना है वहां पे मेल हो जाए, उस ईमेल को मेल हो जाएगी, ठीक है। और मेथड इसके अंदर हमने क्या है, मेथड के अंदर मैं यह डाल देता हूं पोस्ट, कि डाटा पोस्ट हो जाए, ठीक है। पोस्ट और गेट, ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पहला मिलेगा गेट, दूसरा मिलेगा पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या करता है, ध्यान से सुनना है बात, ये जो पोस्ट है इसकी जगह हम गेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि गेट जो है, गेट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, इट इज यूज्ड वेयर यू विश टू ईमेल द फॉर्म कंटेंट्स। ये गेट वहां यूज होगा, जैसे मैं यहां गेट लिखता हूं, तो गेट वहां यूज होगा जहां पर आप अपनी ओर से जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं उसके अंदर, एक बार आप अपनी ईमेल आईडी अपने प्रोग्राम में सेट कर देंगे तो सारा डाटा उसके अंदर अपने आप ही गेट होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं कि पोस्ट में वी कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू यानी पोस्ट वेन एवर वी वॉन्ट टू पास द इंफॉर्मेशन टू द यू आर एल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट। यानी इसके अंदर पोस्ट कब होगा, पोस्ट का हेल्प क्या है, पोस्ट की हेल्प ये है कि जो भी एक्शन बटन के अंदर, ये एक्शन है, ये एक्शन अपना एट्रीब्यूट हो गया, इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर जो भी ईमेल आईडी आपने दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी है, तो पोस्ट के अंदर वहां पे जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पूरे फॉर्म में मान लीजिए कई बार आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो अगर आप गेट वर्ड यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली एक ही ईमेल आईडी रहेगी हमेशा, लेकिन पोस्ट के अंदर आप स्पेसिफिक हो सकते हो, आप अपनी चॉइस कभी भी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग फॉर्म, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए फॉर्म एक्शन करके चलते हैं, तो एक्शन में मेल टू, फिर द सेंचुरी स्कूल एट जीमेल या जो भी आपकी ईमेल आईडी है, आप उसको मेल टू के बाद डालेंगे, मेल टू देन कॉलम साइन, और फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके इसी के अंदर ही वी विल यूज अनदर एट्रीब्यूट दैट इज मैथड। एंड मैथड हैज टू ऑप्शंस, फर्स्ट इज गेट इन विच you will get the by default email id, by default email id, and after that if you use post then you can define the specific email id which you want to store the data provided by the user or filled by the user. Okay students, now we are here again. So maine jo aapko bataya isme दो चीजें मैंने अभी बताई आपको, मैं रिपीट कर देता हूं फिर उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। नंबर वन मैंने बताया कि फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, पहला है एक्शन, एक्शन के अंदर मेल टू ऑप्शन डाल के कॉलन डाल देंगे और उसके बाद वो ईमेल आईडी लिख देंगे जिसमें हम समय ये सारा डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर ही एक और एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, वो है मैथड। मैथड के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन हमारे पास है गेट और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है पोस्ट, राइट। तो इस तरह से पोस्ट के अंदर, गेट के अंदर मैंने बताया कि एक बार आपने जो ईमेल आईडी डिसाइड कर दी है वो पूरे प्रोग्राम में रहने वाली है, लेकिन पोस्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहें कोई नई आईडी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहां तक मैंने आपको बात बता दी है। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि डाटा इनपुट कराने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट एलिमेंट्स होने चाहिए जो हम फाइल के अंदर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले बना के रखा हुआ है वो आपके काम आ जाएगा। ये देखो, इस तरह का फॉर्म आपके पास होता है। ऊपर हम हेडिंग डाल सकते हैं, फिर ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, दीज आर द फील्ड नेम, और ये जो सामने है, दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस इन विच यू कैन राइट एनीथिंग। सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, मान लो मैंने नाम लिख दिया सारांश, ठीक है, सारांश नाम लिख दिया, और मान लीजिए इसका सरनेम, कोई भी सरनेम आप लोग लिख दीजिए, मान लो वशिष्ठ कर दिया मैंने, वशिष्ठ लिख दिया, ठीक है। ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी डालना है, अगर आप चाहते हो सेट गूगल एज योर डिफॉल्ट पेज, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, हटा सकते हो, और यहाँ पे बटन यूज कर सकते हो, रीसेट कर दोगे तो इट विल ब्लैंक अगेन, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका बनेगा, एक मैंने आपको एक डेमो दिखाया है फॉर्म के लिए, ये फॉर्म आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि इसकी इंट्रोडक्शन होना, कि ये क्या क्या चीज है। तो मैं बता रहा था आपको कि इनपुट एलिमेंट्स के अंदर जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे, आई एम कमिंग बैक टू द प्रोग्राम सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर। सबसे पहली ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, एंड व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये जिसके अंदर कर्सर आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, राइट। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेकंड चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है, ये भी हमारे पास है यहीं पे चेक बॉक्स, ये जो टिक मार्क आ रहा है, दिस इज आवर चेक बॉक्स, राइट। यहां पे टिक मार्क आ गया, चेक मार्क आ गया, राइट बेटा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे विच वी कैन यूज, दैट इज रेडियो बटन के अंदर ये जितने भी आपको ये जो कमांड्स नजर आ रही हैं, ये सेंड, रीसेट, दीज आर द रेडियो बटन्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 8th के अंदर एक बार विजुअल बेसिक किया था, विजुअल बेसिक के अंदर ये सारी चीजें ऐसी आती थी, फॉर्म्स भी आता था उसके अंदर, हम लोग यहीं पर ही एक कमांड बटन बना के इसको डबल क्लिक करते थे तो एक कोडिंग विंडो खुल जाती थी, प्रोग्राम विंडो खुल जाती थी, और उसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस लिख देते थे, कुछ कमांड्स लिख देते थे जिससे काम करता था ये, है ना। उसके अंदर हमने एक बार कैलकुलेटर भी बनाया था, और ट्रायंगल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, तो और कई बार शेप में, जैसे उसमें रेडियस कैलकुलेट करने का भी, ट्रैफिक लाइट भी, ये सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए थे। सेम वैसी ही चीज़ यहाँ पे है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आपको जरा सा भी उसका ध्यान है, या 8th स्टैंडर्ड की बुक आपके पास है, तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। विजुअल बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब आगे जो हम कर रहे हैं, रेडियो बटन मैंने आपको बता दिए, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है, दैट इज पासवर्ड बॉक्स। तो समटाइम्स वी नीड अ पासवर्ड टू फिल अप द फॉर्म, है ना। जैसे आपके पास कोई ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पासवर्ड पूछ लेता है, किसका पासवर्ड आप डालिए, ठीक है बेटा। तो कुछ एक ऑप्शंस ये हैं हमारे पास, कुछ ऑप्शंस और हो सकती हैं इनके अलावा भी, बिसाइड द अबव मेंशन कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स भी हैं। ये एक हिसाब से अगर मैं इनका नाम बताऊं, तो मैंने इनका नाम आपको बताया है इनपुट एलिमेंट्स, या फिर इनको आप फॉर्म कंट्रोल्स के नाम से भी जानते हो, ये दोनों नाम इसी के नाम है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, इनपुट एलिमेंट्स या फॉर्म कंट्रोल्स, क्योंकि फॉर्म के ऊपर कंट्रोल बनाते हैं हम, ये डिटेल बनाते हैं, ये जैसे
ये फॉर्म हमारे सामने आया हुआ है सारा, ये फॉर्म है और इसके अंदर ये सारे कंट्रोल्स हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स तीन है, चेक बॉक्स है और ये हमारे पास क्या है, रेडियो बटन्स हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग ये यूज कर पाएंगे। इसके बारे में नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि कौन सी कमांड कैसे यूज होगी हमारी, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट डे अगर आप लोग सभी की अटेंडेंस होती, जैसे आज भी कम ही है, 26 तक गई है इंक्लूडिंग मी, नहीं अब इसमें एंड आई थिंक इन प्रीवियस मीटिंग देयर वाज 30 स्टूडेंट्स, 26 ओके आई थिंक ओके गुड। अगर उस दिन अगर आपकी अटेंडेंस ठीक होती तो आज ये लेसन का काफी हद तक हुआ होता है हमारा। ठीक है, चलो एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। तो इसके अंदर कुछ इन कंट्रोल्स के अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं बटन, ये काफी रेडियो बटन्स के अकॉर्डिंग ही है, वो भी बटन्स ही होते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट बटन्स हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे नॉर्मल बटन्स हो गए, ये नॉर्मल बटन है। रेडियो बटन हमारे होते हैं कि जैसे ये जो चेक चेक बॉक्स है, इसी की तरह रेडियो बटन होता है गोल। चेक बॉक्स के अंदर तो आते हैं टिक और रेडियो बटन में आ जाता है डॉट बीच में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कई कई तरह की फॉर्म होती है रेडियो बटन्स की, वो धीरे धीरे हमें पता लगेंगी। नंबर सिक्स में आपके पास आ जाएगा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, पुल डाउन लिस्ट या पुल डाउन मेन्यूज। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका कॉम्बो बॉक्स। ये एक ही साथ बहुत सारी ऑप्शन शो करता है आपको, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्स्ट एरिया, यहां पर ये कब यूज किया जाता है, जब हम मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट यूज करते हैं टेक्स्ट इनपुट। यानी जब यहां पर तो आप देखिए, ये देखिए यहां पर तो आप एक ही लाइन मिल रही है आपको, लेकिन जब आपको सपोज ये मान लीजिए आपको डालना है एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर दो तीन लाइनें आपको चाहिए नीचे तक भी। तो जब बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए आपको ज्यादा डाटा के लिए, देन वी कैन सेट इट टेक्स्ट एरिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास थी, बेसिक हमारे पास ये रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब यहां तक अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की है तो प्लीज आस्क एनीथिंग अबाउट इट। अदरवाइज इन आवर नेक्स्ट मीटिंग आई विल शो यू हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम विद दीज ऑल कंट्रोल्स इन अ फॉर्म। नाउ टू यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क बेटा, और इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो। क्लियर सर, प्लीज स्पीक लाउड, इज इट क्लियर टू ऑल? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी इसके अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो शुरू से ध्यान देगा उसके लिए आसान है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, ये तो अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाते हैं तो, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपके लॉजिक क्लियर हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में देर आर लॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस विच यू विल फेस इन योर प्लस वन प्लस टू एंड इन योर इंजीनियरिंग एज वेल। तो ये प्रोग्रामिंग तो हर जगह काम आने वाली है। इज इट ओके बेटा? Now finally, I am asking, any problem? No sir, it is clear. Okay, beta. Thanks a lot. Now I am ending the meeting. Have a nice day.